चलो शुरू करते हैं हियर। तो इस बार हमारा क्वेश्चन ये है एवरीवन, सुनो ध्यान से। लिखा इन द फिगर पीक्यू कितना है, बोले 6। पीक्यू कितना है 6, क्यूआर कितना है 10, पीएस कितना है 8। ओके पूछा क्या है। ओके तो एवरीवन इस सेटअप के लिए, जरा इस सेटअप ध्यान से याद रखना है। जो लोग रेगुलरली लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको याद है कि मैंने एक ऐसा थ्योरम बताया था जहां पे दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं 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 इंटरसेक्ट करते कहां पर, वेरी गुड, आउटसाइड द सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, एक नाम है उसको, नहीं 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 आउटसाइड द सर्कल को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली। ये देखो हम लोग ये थ्योरम यूज करने वाले, सब लोग बोलो फिर से। और ये थ्योरम हम लोग तब यूज करते हैं एवरीवन जब दो कॉर्ड्स, अब ये इस कॉर्ड को आगे बढ़ा दिए, ये कॉर्ड को आगे बढ़ा दिए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन सर्कल के, तो ये जो हम लोग थ्योरम यूज करते हैं ना एवरीवन, ये थ्योरम तभी काम करता है जब दोनों सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी चीज देखो, ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सुनो ये थ्योरम कैसे अप्लाई होता है मालूम है। ये थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये होता है, सब लोग बोलो जोर से, क्या लिखा है। ओके दे बताता हूँ कहाँ पर है कौन, ये आपका पी एस है, ये आपका पी टी है ना, पी एस इंटू पी टी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू, अगर आप देखोगे एवरीवन हमारे पास पी एस है, हमारे पास पी टी नहीं है, पी टी नहीं है, हमारे पास पी क्यू है लेकिन हमारे पास पी आर नहीं है, लेकिन निकाल सकते हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो पी आर कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना एवरीवन, यहीं पे देख लो खाली आप, पी क्यू प्लस क्यू आर आपको क्या लगता है क्या मिलेगा, पी आर, सब बोलो क्या, पी आर इक्वल टू, फिर से बोलो पी आर इक्वल टू। और आपको पता जब भी ऐसा करते तो रीजन देते पी डैश क्यू डैश आर, सही है। ओके अब एवरीवन सुनो, यहाँ पे आयन मलिक इधर, अब सुनो इसमें से हमारे पास पी क्यू है और हमारे पास, तो क्या दोनों को प्लस करके निकाल सकते हैं हम लोग, पी क्यू कितना है भैया 6, यहाँ डालेंगे क्यू आर कितना है 10, तो 6 प्लस 10 कितना आएगा एवरीवन 16, ये देखो आ गया पी आर कितना आ गया 16, है ना। तो अब एवरीवन अब हम ये थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम, और ये थ्योरम कब अप्लाई होता है सुनो, जब आपके पास दो कॉर्ड होंगे, एक है एक जो भी नाम है, एक का नाम फिलहाल एस टी है, फिलहाल एक का दूसरे का नाम क्यू आर है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, पी पे, और पी की खास बात यह है क्या, तभी तो थ्योरम अप्लाई होगा, अगर वो अंदर होता ना तो दूसरा थ्योरम अप्लाई होता, एक और थ्योरम है ना इंटरनल, यस ओके। तो फिलहाल ये थ्योरम है और थ्योरम के हिसाब से हमने पहले डिस्कस कर लिया पी एस इंटू पी टू इक्वल टू क्या आने वाला है, पी क्यू इंटू पी आर। अब पी एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी भैया 8, पी एस की वैल्यू दी गई थी 8, पी आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 16, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 6। तो आप ही बताओ यहाँ पे कौन बचा, इसका मतलब सॉल्व करते करते किसका आंसर मिलेगा, पी टी का आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा देखो एवरीवन। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, अब भैया जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली 8 टू जा 16, 6 इंटू 2 क्या हो गया 12, पी टी हमको मिला कितना 12, है ना, पी टी तो मिल गया लेकिन क्वेश्चन में पी टी पूछा ही नहीं था। ओके बल्कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था यस, तो टी एस पूछे तो पी टी क्यों निकाले, भैया देखो पी टी मिल गया है, पी एस हमारे पास पहले से ही है, पी एस हमारे पास, तो आप कॉमन सेंस लगाओ ना, कॉमन सेंस वाली बात सोचो, सोचो आप ही सोचो, ये पूरा 10 है, एग्जाम्पल है खाली, कितना है 10, उसमें से ये हिस्सा 6 है, तो ये कितना होगा, और बस क्या के पूरे में से 10 में से 6 को, भैया यही करे हमने यहाँ पे, यही करेंगे, ये देखो भाई हमारे पास एक चीज लिखी है, क्या लिखी सब बोलो, है ना, पी एस प्लस टी एस, अगर आप करोगे तो पी टी, जब भी ये वाला स्टेप रहेगा तो हमेशा रीजन आएगा पी डैश एस डैश टी। ओके चलो भाई डायग्राम से देखते हैं ये सही चीज है क्या, पी एस प्लस टी एस, ये देखो भैया ये आपका पी एस प्लस ये आपका टी एस, प्लस करोगे तो क्या मिलेगा पी टी, यहाँ पी है फिर एस है फिर, बस यही तो कहानी है,
ना? चलो अब इसमें से एवरेन पीएस, पीएस कितना है 8, पहले भी हमने लिया था पीएस कितना है 8, पीटी, पीटी अभी अभी निकाले कितना 12, आप ही बताओ सॉल्व करके क्या मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो बहुत सिंपल है भैया, यहाँ पे प्लस 8 है वहां जाएगा तो 12 माइनस 8 कितना मिला, तो टी एस इक्वल टू 4, खत्म, इतना ईजी है ना भैया। जरा रिवाइज करते फिर एक बार, हमने क्या किए सब, एवरी वन ईयर। तो सीन ये है कि हमारे पास है ना एवरीवन एक डायग्राम दिया हुआ है ना, कुछ लोगों की वैल्यूज दी गई है ना, पी क्यू क्यू आर पी एस, कुछ लोगों की वैल्यू दी गई है, हमसे बोला गया क्या फाइंड करो, यस ठीक है, ये सी ठीक है। अब सुनो एवरीवन हियर, तो ऐसा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने नोटिस की एक बात कि हमारे पास पी क्यू है और हमारे पास क्यू आर है, हमारे पास पी क्यू है हमारे पास, तो हमको पता चला दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा पी आर, तो हमने पहले वो किए पी क्यू और पी आर की वैल्यू डाल दिए और जैसे ही डालने के बाद सॉल्व किए तो हमको मिल गया पी आर। ये देखो सर क्यों निकाले पी आर, क्योंकि ना एवरेन हमारे पास जो दो कॉर्ड है ना वो दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन कहाँ पे, तो हमको पता चल गया कौन सा थ्योरम लगने वाला है। अब जब हमने थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड अप्लाई किया तो हमको ये मिला, सब बोलो क्या मिला। अब आप नोटिस करो इसमें से सब हमारे पास से सिवाय है ना, बस ये जो बंदा 8 है उसको वहां लेके जा गया, डिवाइड में आ गया, सॉल्व किया, हमको आंसर आ गया 12 बराबर। चलो अब पीटी से हमने, पीटी हमको मिल तो गया लेकिन पीटी हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन था टीएस, हमारा क्वेश्चन क्या था, नीचे रख दो गिर जाएगा ओके। तो हमने जब ध्यान दिया फिर एक बार एवरेन, तो हमको ये मिला ओके, क्या मिला भाई, पी टी पी एस प्लस टी एस इक्वल टू पी टी, उसमें से ये आपका पी एस है ये आपका पी टी है, तो पी एस क्वेश्चन में दिया गया तो पी टी अब ये भी निकाले है ना, खत्म ना, प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 8, 12 माइनस 8 हो गया 4, खाली बस आंसर में यहाँ पे आगे क्या लिख देना नहीं ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाओ। चलो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पहले कई बार खुद से पढ़ लेंगे इसको, तो सुनो भाई इस बार कहानी क्या है एवरीवन हियर, सुनो तो लिखा है सब ध्यान से एवरीवन इधर, इन द फिगर सेगमेंट ई एफ, ढूंढो पहले सेगमेंट ई एफ है क्या, ई से लेके एफ दिख रहा है अपने को, कौन है ये बंदा, डायमीटर है तो वही लिखा है उन्होंने डायमीटर, उसके बाद एवरीवन एक और एक बंदा है डी एफ, डी एफ आपको फिर से दिख रहा है ये बंदा कौन है ना, सर्कल को टच कर रहा है, टच करने वाला टेंजेंट होता है, और एक और एक बंदा दिया गया है कि भैया ये जो सर्कल है ऑब्वियसली अगर सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा, रेडियस कितना होगा। अब आप बोलोगे सर रेडियस आर ही तो होता है, इसमें बताने की क्या जरूरत थी भैया, उसका काम है बताना क्योंकि टू प्रूव है इस आर को बंदे ने यूज किया है, तो इसलिए उनका काम बन जाता है कि वो बताए कि भैया स्मॉल आर है कौन है ना, तो स्मॉल आर ऑब्वियसली कौन है यहां पे, और हमको ये प्रूव करना है डी ई सर किधर है डी सर ये इंटू जी ई, जी कौन है सर ये इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एवरीवन सुनो जरा ध्यान से देखना है, हमारे पास एक टेंजेंट है डी एफ बराबर, और एक और बंदा है ये कौन है बताओ मेरे को, नहीं 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 कौन है ये? नहीं वेरी गुड, ये बंदा सेकेंड है, कैसे सर मैंने ये हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किए थे, जो टच करता है जो सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पे वो टेंजेंट, जो सर्कल के अंदर से गुजर के जाता है वो सेकेंड, समझा, जो लाइन सर्कल को बाहर से टच करेगी वो टेंजेंट, जो सर्कल के अंदर से होके जाएगी कट करके जाएगी उसको कहते हैं सेकेंड ठीक है। तो हमारे पास है ना सिचुएशन क्या थी, हमारे पास एक लाइन डी एफ है जो हमारा टेंजेंट है ना, लिखा लाइन डी एफ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एफ, ठीक है हमारा ये जो टेंजेंट है सर्कल को टच कर रहा है कहां पे ठीक है। चलो उसके अलावा हमारे पास एक और बंदा है, देखो डी जी ई, नॉर्मली सेकेंड को ऐसे नाम दिया जाता है तीन लेटर में डी जी ई, ये हमारा अच्छा इस सेकेंड ने भी सर्कल को इंटरसेक्ट किया है कहां पर, जी पे और ई पे, लिखा इंटरसेक्ट कर रहा सर्कल को जी पे और ई पे। अब क्योंकि हमारे पास एक टेंजेंट है और एक
तो हम ये थ्योरम यूज करेंगे, सब बोलो फिर से। और ये थ्योरम कहता है, ये जो टेंजेंट है, ये हम लोग देख चुके थ्योरम, टेंजेंट है ना, उसका स्क्वायर करो, यानी डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू जी डी 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 जी इंटू डी। ओके, फिर एक बार बता रहा हूं एवरीवन, ये जो टेंजेंट है इसका स्क्वायर करो, यानी डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी जी और फिर पूरा डी ई। ये कहानी है और इस कहानी को कहते हैं टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, है ना। अब आप बोलोगे सर एक सेकेंड, ये प्रूव तो कर दिया हमने, हाँ ये टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम लगा के प्रूव तो कर दिया सर, लेकिन सर ये थोड़ी ना पूछा हुआ है। बिल्कुल ये नहीं पूछा हुआ है, पूछा तो ये है, लेकिन कहानी में आगे ये बंदे की बहुत जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हमने इस बंदे को पहले ही निकाल के रख लिए। ठीक है, फाइन। अब एवरीवन देखो, अब ध्यान से देखना, अब क्या करने वाले, मैं आपको उसका थोड़ा हिंट देता हूँ। देखो भाई, हम सबको पता है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे को, और अगर ये परपेंडिकुलर है, देखो ये जो ट्रायंगल डी एफ ई है उसमें यहाँ पे लिखा है एंगल डी एफ ई कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है और दोनों एक दूसरे को, बाय द वे इस थ्योरम को क्या कहते हैं, बोलो, टेंजेंट थ्योरम। ये कहता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो भैया कोई भी ट्राइंगल जब 90 डिग्री होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। नहीं नहीं, ट्राइंगल को क्या कहते हैं भैया, राइट एंगल ट्राइंगल। उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज होता है, तो यार ये तो यार अभी इतनी बार देख चुके, हमको मालूम है पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस, तो क्या ये सही है, डी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर सही है। ओके, कौन सा थ्योरम है भैया। अब इसमें से एक बंदे पे जरा हम लोग फोकस करेंगे, वो है ई एफ। ई एफ कौन है सर, ऑब्वियसली ई एफ हमारा डायमीटर है, ई एफ कौन है। और आपको पता, इन्होंने कहा था सर्कल का रेडियस कितना है, और हमको ये भी पता है कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, डायमीटर हमेशा रेडियस का। अच्छा, अगर ऐसी बात है कि डायमीटर हमेशा सर्कल का डबल होता है, तो हमारे पास ये बंदा ई एफ डायमीटर है, तो क्या डायमीटर की जगह पे हम 2R लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है, सब पढ़ो फिर से, मतलब डायमीटर हमेशा रेडियस का। अच्छा, अभी इसके ऊपर स्क्वायर है, और क्या है भैया, 2 का स्क्वायर होगा 4, और R का स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर। आप एक चीज नोटिस करो, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ये बंदा तो प्रूव दैट में भी है, देखो R स्क्वायर वहां पर भी है 4R स्क्वायर। ओके, हाँ बाकी की चीजें नहीं, वो अपन लेके आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा तो नजदीक आ गए, है ना। चलो भाई, अभी ये जो बंदा ना डी एफ स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे। सर इसको इधर क्यों भेजेंगे, एक चीज नोटिस करो आप, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हम लोग अपने थियरम टाइप चीजें करते हैं ना, प्रूव दैट टाइप चीजें करते हैं, उसमें हमेशा इस पे नजर रखने का, इस पे जिसको प्रूव करना है, कि वही तो हमारा आंसर है, तो आंसर पे नजर रख के चलने का एकदम। ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, तो जैसे हमने प्रूव दैट पे देखा ना, हमको एक चीज समझ में आ गई कि 4R स्क्वायर अकेला है, उसके आजू बाजू में, इसीलिए हमने भी क्या किया पता है, हमने भी ये 4R स्क्वायर के बाजू में कौन था, उसको इधर भेज दिए, तो डी एफ स्क्वायर उधर प्लस में था, इधर आके क्या हो गया ना, हम जो भी कर रहे हैं उसको देख देख के कर रहे हैं, तो हमको ये स्टेप मिला 4R स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस माइनस और अभी सुनो कौन है ये, बोलो। आपको याद है एवरीवन, हमने एक चीज बना के रखी थी जिसका हमको कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक, सब पढ़ो क्या लिखा है, सब बोलो भाई, बोलो
फिर से वही पढ़ो डी एफ स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों निकाले थे हमने वो इधर डालने के लिए। मैंने आपको तभी कहा था ये चीज आगे काम में आएगी, बस संभाल के रखो इसको, यानी नंबर दे के रखो, और जैसी भाई उसकी जरूरत पड़ी हमने फट से उसको डाल दिया। और क्या लिखा, अब इसी बंदे की वजह से हमारा आंसर आ जाएगा एवरेन। देखो एक चीज एवरेन, जैसे हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया ना, हमको ये स्टेप मिला 4r² = d² - dg(dt). एक चीज नोटिस करो अभी भाई, थोड़ा बहुत भी आपको मैथ्स आता तो आपको दिख रहा होगा d इधर भी है और d तो भैया कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ d इसका 2d है, एक बाहर आ गया एक अंदर है, यहाँ d बाहर आ गया तो कौन बचा और बीच में कौन सी साइन है। अब ये ब्रैकेट के अंदर की चीजों को ना सोचना जरा क्या है, DE - DG सब बोलो भाई। अब इसको बराबर एवरीवन सोचना डायग्राम को देख के, डायग्राम को देखते हुए जो आपने पढ़ा उसको सोचेंगे। ये आपका डी है या आपका, उसमें से किसको माइनस करो। अब आप ही सोचो पूरे डी में से अगर ये हिस्सा चला गया क्या बचा है जी, है वो तो बोलो ना, देख के बताओ, नहीं तो कम से कम टेक्स्ट बुक में देखो, है ना भैया। पूरे डी में से डीजी चला गया तो क्या बचा, बस यही आइडिया हम लोग यूज करेंगे भाई। पूरे डीजी में से ये बंदा चला गया, क्या बचा सर जी, रीजन वो देंगे डी उसके बाद जी उसके बाद ई D-G-E। तो भाई क्या मिला, सब बोलो जोर से, ऐसा नहीं लग रहा सर आंसर तो आ गया। अपने टुपरू को देखो, प्रूदेट को देखो, यही आंसर तो चाहिए खाली भैया। क्या करना है, उल्टा करना है लेफ्ट को राइट में और राइट को, बस देयरफॉर लिख के वो कर दो, देयरफॉर ये बंदा लेफ्ट में ये बंदा राइट में, आ गया हमारा फाइनल। तो भैया देखो इस समय क्या किया, मैं फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ, यहाँ ध्यान से देख, सुनो सब लोग, सबसे पहले डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम को ध्यान से देखो तो हमको पता चल गया कि डायग्राम में हमारे पास एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है ना, टेंजेंट और सीकेंट है। तो हमने अपने शुरुआत ही इससे किया, सब बोलो किससे किया। अब जैसे आपने यूज किया फटाक से आपको ये मिलेगा, सब बोलो क्या मिलेगा, वो मैंने आपको बता दिया कैसे आया करके। अब है ना एवरेन, इसको इक्वेशन वन दो और संभाल के रखो। क्यों सर, भैया बाद में ये काम आए। अब सीधे चले जाओ इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे मैंने आपसे कहा था एवरेन कि भाई सर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को, तो उससे हमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा एक साथ बोलो फास्ट और जोर से। और ये रेडियस और टेंजेंट की वजह से जो 90 मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। अब एवरेन हम लोग यूज कीजिए, देखो जब भी हमको 90 डिग्री मिलेगा किसी भी ट्रायंगल में, हमको पता है वहां पे एक ही ऑप्शन है, क्या (hypotenuse² = 1 side² + अब हमको मालूम है उसमें से ईएफ हमारा डायमीटर है, और हमको ये भी पता है, सब पढ़ो मतलब भैया ईएफ की जगह पे क्या डालेंगे, लेकिन 2r के ऊपर क्या है तो 2 का स्क्वायर r का स्क्वायर, क्या मिला। लेकिन फिर हमने जब टुपरू में देखा तो हमको पता चला कि भैया 4r² अकेला है, बताया था मैंने 4r² अकेला, अलग है आपके पास टुपरू में, बार बार रेफर कर सकते हो, क्योंकि वैसा रेफर करने की जरूरत ना पड़े, एक बार देख के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 4r² को हमने अलग किया, मतलब क्या सर, इसके बाजू में कौन था डी उसका, उसको इधर लेकर आ गया, बस वाला बंदा क्या हो गया मैं। और एवरेन अब वो चीज काम में आएगी, कौन सी चीज काम में आएगी सर, अरे यार हमने ये बना के रखे थे ना इसकी वैल्यू ऊपर, याद है, तो डीएफ स्क्वायर की वैल्यू हमने बना के रखे थे, क्या वैल्यू बना के रखे थे, एक साथ बोलो बस। तो भैया ये डीएफ स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिए, और याद है उसका नंबर देके रखे थे हमने, जैसे यहां पे आके हमने देखा ई डी क्या है, कॉमन निकाल लिए, तो अंदर ये बचा, क्या बचा भैया। फिर मैंने आपको बताया कि डी में से अगर डीजी निकाल लो तो क्या बचता है, बस आंसर आ चुका। जैसी जब भी ये करोगे तो एवरेन ये रीजन लिखो गया D-G-E। मतलब इसको क्या बोलते हैं, बिटवीननेस, कोलिनियरिटी या तो बिटवीननेस, ठीक है, नाम वैसे लिखने की जरूरत नहीं, यही लिखा जाता है।
ठीक है, बस ये जो भी आंसर है भाई इसको अभी लेफ्ट राइट कर दो, ये इसको ले लो लेफ्ट में, इसको ले लो, कहानी खत्म। ठीक है, फाइन एवरीवन।